प्रकट भी करता हूँ कि आगे भविष्य में इस तरीके से ना हो, और कहीं पे भी ऑथराइज कि वो उद्घाटन करने के लिए गया या ऐसी कोई बात है तो कोई मुझे साबित कर दे, उसके लिए जो जुर्माना हो वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। देखिए, विपक्ष तो चाहता है कि यहाँ से हटे और हम लोग पार्टी के एज ए प्रूफ डायरेक्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वही है, ठीक है, हम कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है लेकिन वो पार्टी का अध्यक्ष है और भाई रहने के नाते वहाँ पे मीडिया भी या पदाधिकारी भी उनको थोड़ा सा इसमें। नमस्कार, रिपब्लिकन न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूँ तनुज मासूम। बिहार विधानसभा में आज दिन भर हंगामा का दौर रहा क्योंकि मुकेश सहनी को लेकर राजनीति गर्म थी। मुकेश सहनी ने सरकारी कार्यक्रम में खुद ना जाकर अपने भाई को भेजा था अपनी गाड़ी में। इस बात को लेकर विपक्ष ने काफ़ी विधानसभा में हंगामा किया। लगातार मुकेश सहनी के मंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग तक कर रहे थे। हालांकि मुकेश सहनी आज जब विधानसभा पहुँचे थे तो हमेशा विधानसभा में कैमरों के सामने आने वाले मुकेश सहनी आज कैमरे को देखकर भागते हुए नजर आए। जब विधान परिषद से मुकेश सहनी बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपनी गलती स्वीकार कर लिया। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हमसे गलती हुई है, आगे से हम इसका ख्याल रखेंगे कि ऐसा ना हो। हालांकि बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी को बुलाया था इस मामले पर बात करने के लिए। उन्होंने कहा है कि अभी मामला सब कुछ सही है, हमसे गलती जो हुई वो मैं आगे नहीं दोहराऊंगा। हालांकि विपक्ष की बात पर जब मुकेश सहनी से सवाल किया गया कि विपक्ष लगातार ये मांग कर रही है कि मुकेश सहनी को अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, तो मुकेश सहनी ने साफ तौर पर ये कहा है कि विपक्ष का काम है ऐसा बोलना, वो लगातार बोलते रहेगी और आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, लेकिन हमसे जो गलती हुई है वो हम मानते हैं। मेरा भाई वहाँ गया था सरकारी कार्यक्रम में सिर्फ शिरकत करने, हालांकि उसके द्वारा वहाँ पर किसी भी कार्यक्रम का उद्घाटन नहीं किया गया। हालांकि उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि अगर मेरे भाई ने उस कार्यक्रम का उद्घाटन किया हो तो मैं किसी भी जुर्माने को देने के लिए तैयार हूँ। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, सुनिए आप। मुकेश जी मैदान में किसमें है चिता नाम देखिए, खास करके जो विपक्ष के द्वारा ये बात उठाया जा रहा है वो बिल्कुल ही असत्य है और इस तरीके का नहीं हुआ। और खास करके देखिए, मुझे कार्यक्रम में जाना था और मैं विधानसभा की वजह से मैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाया और मेरे कार्यक्रम में एज ए पार्टी अध्यक्ष नाते मंत्री के नाते हमारे पूरे बिहार में संगठन के बड़े पदाधिकारी हो, चाहे बूथ का हो या बड़े पदाधिकारी हो, हमारे स्वागत के लिए हमेशा पदाधिकारी वहाँ पर पहुँचते हैं। और बिहार में खास करके मेरे छोटे भाई दौरे पर हैं, जनता के बीच में घूम रहे, पार्टी को विस्तार कर रहे हैं, तो उस कार्यक्रम में मैं नहीं पहुंचा। वहां पे उससे पहले ही वो खुद पहुंच चुके थे, बाद में पता चला कि मैं वहां नहीं पहुंच रहा हूं और मैंने आदेश किया पदाधिकारी को कि गाड़ी जो वितरण करना था खास करके SC ST अति पिछड़ा समाज के लिए राज्य सरकार के तरफ से स्कीम चलाया जा रहा है जिसमें 90% अनुदान मिल रहा है और उन लोगों को गाड़ी मुहैया कराना था, वितरण करना था, तो मैंने नहीं जाने के कारण वहाँ पे पदाधिकारी के द्वारा वितरण किया गया। और वहाँ पे आप एज ए पार्टी अध्यक्ष के नाते या एक मंत्री के नाते मेरा छोटा भाई था तो वहाँ के पदाधिकारी भी या मीडिया भी उनको थोड़ा प्रमोट कर दिया गया और ये इंटेंशन कुछ भी नहीं था कि कार्यक्रम उनको जाना था, उनको प्रमोट कर दिया गया है। और उस कार्यक्रम में वहाँ पे कुछ फोटो वोटो निकला है, मैं आने वाले समय में इस पर ध्यान रखूँगा, इस तरीके से नहीं हो। प्रकट भी करता हूँ कि आगे भविष्य में इस तरीके से ना हो और कहीं पे भी ऑथराइज कि वो उद्घाटन करने के लिए गया या ऐसी कोई बात है तो कोई मुझे साबित कर दे, उसके लिए जो जुर्माना हो वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। देखिए, विपक्ष तो चाहता है कि यहाँ से हटे और हम इसका मतलब थोड़े है रहा कि देखिए आधिकारिक तौर पर वो कहीं पर भी कोई कार्यक्रम में नहीं गए हैं और ना कभी जाएंगे, ये क्लियर है। और रहा कि वहाँ पे कार्यक्रम में गए थे पार्टी के एज ए प्रूफ डायरेक्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वही है, ठीक है, हम कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है लेकिन वो पार्टी का अध्यक्ष है और भाई रहने के नाते वहाँ पे मीडिया भी या पदाधिकारी भी उनको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिए कि प्रोजेक्ट कर दिया गया, तो ये हम चाहेंगे कि भविष्य में ऐसा ना हो। भाई को नहीं भेजना चाहिए था, भाई को भेजा नहीं गया। हमारे कार्यक्रम में भाई हो या बूथ का अध्यक्ष हो या जिला अध्यक्ष हो, हमारे कार्यक्रम में सबको वहाँ स्थानीय अगल बगल में अगर कोई है तो हमारे कार्यक्रम में आना अनिवार्य रहता है, तो वो हमारे कार्यक्रम हमें रिसीव करने के लिए भाई को वहाँ पे उद्घाटन करने के लिए।
में बोलना उचित नहीं है। देखिए मैं, मेरे पास विभाग से दो गाड़ी मिला है और मेरे साथ 10 गाड़ी घूमता है, और कभी कौन गाड़ी किसके साथ रहता है, आज हमारे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का गाड़ी नहीं है सर्विसिंग के लिए गए, तो मेरा गाड़ी पे पदाधिकारी घूम रहे हैं। अभी मैं अपना पर्सनल गाड़ी पे, आप देखते रहेंगे, फॉर्चुनर मेरा पर्सनल गाड़ी पे मैं घूम रहा हूँ, उसका गाड़ी का कंट्रोल तक भी मैं अपने तरफ से मैं लगाता हूँ, क्योंकि मुझे छोटा गाड़ी पे नहीं बैठना है। तो ये सब चीज़ नहीं है, दो गाड़ी मिला और कौन गाड़ी कभी आपको बुलाया था, देखा जाए तो एक्सेप्ट है कि थोड़ा सा जो प्रोटोकॉल को तोड़ा गया, भविष्य में इस चीज़ को ध्यान रखा जाएगा, जानबूझ के गलती नहीं किया गया है, अनजाने में कुछ चीज़ें, मैं मानता हूँ कि ये चीज़ इस तरीके से नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुख्यमंत्री से मिले और उन्होंने उनके पास जो जानकारी थे तो हमने उनको शेयर किया कि ये सारी चीज़ें हैं, मैंने जानकारी उनको मुहैया करा दिया। हम ये विशेष अगर चीज़ है तो मुख्यमंत्री जी खुद आप लोगों को बता देंगे सारी बातें। मुझे कोई ऐसा सलाह नहीं दिया, मुझसे जो जानकारी पूछना था मैंने मुख्यमंत्री जी को बता दिया। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।